हेलो एवरीवन, मेरा नाम उर्वशी त्यागी है और आज हम डिस्कस कर रहे हैं रेप इन इंडिया रीजंस एंड प्रिवेंशन की। तो सबसे पहले रेप से रिलेटेड प्रोविजन मेंशन है इंडियन पीनल कोड 1860 में। रेप डिफाइंड है सेक्शन 375 ऑफ इंडियन पीनल कोड 1860 में। इसके अलावा ये इसके बारे में मेंशन किया गया है सेक्शन 376A, 376B, 376C एंड 376D ऑफ इंडियन पीनल कोड 1860 में। 375 ऑफ इंडियन पीनल कोड कहता है कि रेप जब किया जाता है तो ये एक मैन के थ्रू सेक्सुअल इंटरकोर्स होता है अगेंस्ट हर विल, विदाउट हर कंसेंट, या फिर फियर ऑफ डेथ में कंसेंट ली गई हो, या फिर फ्रॉड तरीके से कंसेंट ऑब्टेन की गई हो, या फिर एक ऐसा पर्सन जो इंटॉक्सिकेशन के अंदर है या अनसाउंड माइंड के पर्सन की कंसेंट ली गई होती है, या फिर एक फॉल्स प्रॉमिस टू मैरी बोलकर कंसेंट ली गई है, या फिर एक 16 साल की छोटी लड़की, 16 साल से कम उम्र की लड़की के साथ सेक्सुअल इंटरकोर्स किया है विद और विदाउट हर कंसेंट। तो यहाँ पर ये सारी चीज़ें अगर कंडीशंस फुलफिल होती हैं तो दिस अमाउंट टू रेप। अगर हम इसके रीजंस देखें, रेप के रीजंस यूजुअली होते हैं डोमेस्टिक वायलेंस को नॉर्मलाइज कर देना, डोमेस्टिक वायलेंस की एक्सेप्टेंस, फीमेल को वीक समझना, लेस नंबर ऑफ फीमेल पुलिस का होना, एक अनफेवरेबल एनवायरनमेंट, किसी एनवायरनमेंट जिसमें गर्ल सेफ नहीं फील करती, चाहे वो अर्बन एरिया से है लड़की, चाहे वो रूरल एरिया से है लड़की, के इंडिसेंट क्लोथ्स को बोलना, उसके क्लोथ्स को इंडिसेंट बोलना, या अगर कोई लड़की स्मोक करती है, ड्रिंक करती है, तो उसको कंसेंट मानना कि जिस तरीके की लड़की स्मोक या ड्रिंक करती हैं तो उस वहाँ पर हमारी इम्प्लाइड कंसेंट होती है। किसी भी तरीके की पब्लिक सेफ्टी नहीं होना, मेन आदमियों का अनअवेयर होना, अनएजुकेटेड होना, ये कुछ रीजंस हैं। इसके बाद हम देखेंगे प्रिवेंटिव मेजर्स क्या क्या हैं। तो सबसे पहला, सबसे इम्पॉर्टेंट मेजर है अवेयरनेस क्रिएट करना, स्पेशली अनएजुकेटेड मेंस में। उसके बाद है एक सेशन कंडक्ट कराते रहना, कैंपेन्स कराते रहना, कैंपेनिंग करना, कंडक्ट करना सेशंस को, और एजुकेट करना सोसाइटी को, स्पेशली मेन को, कि ये एक फीमेल के अगेंस्ट रॉन्ग नहीं है, ये ओवरऑल सोसाइटी के अगेंस्ट एक क्राइम है। पुलिस का ज़्यादा अवेयर होना, फीमेल पुलिस का ज़्यादा अवेयर होना, ज़्यादा पुलिस का ऐसे एरियाज़ पर होना जहाँ पर वर्किंग एरिया है, या फिर खाली एरिया है, या फिर कोई विलेज है, टाउन है, फील्ड है, जहाँ पर चांसेस हैं रेप होने के, वहाँ पर पुलिस का प्रेजेंट होना। उसके बाद स्ट्रिक्ट इम्प्लीमेंटेशन ऑफ लॉज। इंडिया में रेप से रिलेटेड लॉज की कमी नहीं है, पनिशमेंट जो लॉज देते हैं रेप को उसकी कमी नहीं है, कमी है तो एक प्रॉपर इंप्लीमेंटेशन की। तो एक स्ट्रिक्ट इंप्लीमेंटेशन मैकेनिज्म का होना, सेफ एनवायरनमेंट टू वुमेन का होना बहुत ज़रूरी है। अगर हम लैंडमार्क जजमेंट की बात करें तो हरासमेंट एट वर्क प्लेस को समझाया, एलेबरेट किया, एक्सप्लेन किया विशाखा वर्सेस राजस्थान के सुप्रीम कोर्ट में, जिसमें ये माना कि सेफ्टी ऑफ वुमेन एट वर्क प्लेस ज़रूरी है, वर्क प्लेस पर उनका सेक्सुअल हरासमेंट होता है, और सेक्सुअल हरासमेंट की नई डायमेंशन लेड डाउन हुई विशाखा वर्सेस राजस्थान सुप्रीम कोर्ट केस में। उसके बाद निर्भया केस 2013, एक बहुत ही लैंडमार्क जजमेंट, जिसमें निर्भया एक्ट उसके बाद बना और रेप से रिलेटेड जो क्रिमिनल लॉज में रेप के प्रोविजंस हैं उसको एक नई डायमेंशन मिली। यहां पर हम देख सकते हैं एक और केस, स्टेट वर्सेस दीपक, जिसमें यह माना कि अगर विक्टिम सेक्स वर्कर है तो इसका मतलब यह नहीं है कि उसकी इंप्लाइड कंसेंट है। इवन अ नो फ्रॉम सेक्स वर्कर इज अ नो टू सेक्स। ये सब हमने समझा रेप इन इंडिया रीजंस एंड प्रिवेंशन से। आई होप आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लगा। थैंक यू।